हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आप महादेव जी के भक्त है, तो दोस्तों इन दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों टिलकेश्वर जी महादेव टेंपल। दोस्तों उदयपुर से 80 से 100 किलोमीटर दूर है। महादेव जी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, 300 फीट चट्टान है और ऊपर से पानी बह रहा है जो कि नीचे झरना गिर रहा है दोस्तों। और 300 फीट नीचे कैसे जाना है सोचिए दोस्तों वो पानी भी गिर रहा है और 300 फीट आपको नीचे भी जाना है, कितना एडवेंचर होगा दोस्तों सोचिए आप। 300 फीट नीचे जाना है और नीचे सबसे नीचे महादेव जी का टेंपल है, तो दोस्तों सोचिए। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, दोस्तों नीचे जाना है आपको लोहे की जंजीरें पकड़ते हुए, जो लोहे की चेने होती है उनको पकड़ते हुए आपको 300 फीट नीचे जाना है और फिर महादेव जी के आपको दर्शन होंगे। काफ़ी एडवेंचर से भरा हुआ टेंपल है दोस्तों, और झरना गिर रहा है तो नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर जाने के लिए दोस्तों अगर आप उदयपुर से जा रहे हैं तो गोगुंदा से, जो उदयपुर से गोगुंदा हाईवे जा रहा है वो हाईवे जाना है आपको, टोल नाका आएगा, उसके बाद जो दो टनल आएंगे दोस्तों उसके बाद का जो भी होगा मैंने आपको पूरा वीडियो में बता दिया है, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी दोस्तों जाने में। इसके अलावा अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, उदयपुर से भी नहीं है तो भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो देखिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा GPS का, जो तिलकेश्वरी महादेव जी का जो GPS लिंक है वो मिल जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों अगर आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी है तो। दोस्तों वीडियो को देखिए आप, काफ़ी अच्छा टेम्पल है, एडवेंचर से भरा हुआ टेंपल है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया दोस्तों, आपको भी मुझे पूरा भरोसा है कि पसंद आएगा। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा नीचे उतरते हुए और ऊपर चढ़ते हुए, काफ़ी रिस्की है दोस्तों, तो अगर ज़्यादा बारिश आ रही हो उस टाइम आपको नहीं जाना चाहिए। जब बारिश नहीं आ रही हो, बारिश का मौसम हो, पर जिस दिन बारिश नहीं आ रही हो उस दिन जाइए आप। तो दोस्तों वीडियो को देखिए, आगे वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो देखिए आगे। दोस्तों टनल से 4 से 5 किलोमीटर आने के बाद ये राइट हैंड साइड पे एक टर्न आता है, ये पहला टर्न आएगा जो इतना बड़ा टर्न है। और यहाँ पर मार्क कर लीजिए आप, सामने आपको टावर दिख रहा है और उसके सामने आप साइड में देखिए पंचर की दुकान दिख रही है, काफ़ी बड़ी पंचर की दुकान है, काफ़ी सारे टायर पड़े, तो आप ये मार्क कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों कम से कम 15 से 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद तिलकेश्वर महादेव आता है दोस्तों। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा छापा की नाल वाला रूट आएगा, छापा की नाल वाले रास्ते आपको जाना पड़ेगा, और बीच में जो भी टर्न आएंगे उन टर्नों पे जो भी जो रास्ता होगा जिस रास्ते जाना है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। तो अब आगे चलते हैं। दोस्तों सिरवल से 5 से 6 किलोमीटर आने के बाद आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक जो रास्ता ये नीचे जा रहा है ये बेरन जा रहा है, और जो सीधा रास्ता जा रहा है ये छापा की नाल जा रहा है। दोस्तों हमें तिलकेश्वर जी महादेव जाने के लिए ये सीधा रास्ता जा रहा है छापा की नाल, उधर जाना पड़ेगा, इस साइड जाना पड़ेगा, अगर इधर जाएंगे तो गलत रास्ते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमको लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर है, तो हमको यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर तिलकेश्वर जी महादेव आएगा। तो अब आगे चलते हैं। रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, एक तो ये टर्न ले रहा है दोस्तों और एक सीधा रास्ता जा रहा है, जो सीधा रास्ता जा रहा है वो रास्ता हमें नहीं जाना है दोस्तों। ये जो टर्न ले रहा है ये छापा की नाल जा रहा है, छापा की नाल यहाँ से 9 किलोमीटर है, हमें छापा की नाल नहीं जाना है, उससे पहले राई गांव आएगा, वहाँ से हमें टर्न लेना है। वो जो टर्न आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लेना है। यहाँ से लगभग तिलकेश्वर जी होगा 10 किलोमीटर, तो हमें ये टर्न लेना है, यहाँ से आगे सीधा नहीं जाना है, तो वहाँ से जो भी होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। हम फिलहाल अब आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो दो टर्न आ चुके हैं,
राइट 6 किलोमीटर लिखा हुआ है और ये टर्न आ रहा है, हमको इस वाले टर्न पे जाना है, ये लास्ट टर्न है, इसके बाद डायरेक्ट तिलकेश्वर महादेव मंदिर आएगा, हमें किसी टर्न पे नहीं जाना है उसके बाद। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है इधर हमको नहीं जाना है दोस्तों, इस वाले राइट 6 किलोमीटर लिखा हुआ है, इस वाले रास्ते पे जाना है और उससे 1 किलो जो राइट आएगा उससे 1 किलोमीटर दूरी तिलकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो 6 से 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो हमें इस वाले रास्ते पे जाना है, तो आप आगे चलते हैं। दोस्तों तिलकेश्वर जी महादेव जी आ चुके हैं दोस्तों, अब आपको इससे आगे मैं रास्ता बता देता हूं दोस्तों। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा फ्रेंड खड़ा है जो कि अभी नीचे जाने वाला है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, यहां से आपको लोहे की जंजीरें पकड़ते हुए नीचे जाना पड़ेगा, यहां से 300 मीटर नीचे जाना है आपको और वहां पर आपको मंदिर मिलेगा जो महादेव जी का, तिलकेश्वर जी महादेव जी का मंदिर है, वहां पर आपको जाना है दोस्तों। काफ़ी संभल के जाना पड़ेगा, रास्ता काफ़ी डेंजर है तो आपको थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा, तो अब आगे चलते हैं हम।
तिलकेश्वर जी महादेव जी का मंदिर, जो ऊपर देखो सीढ़ियाँ जा रही है, ऊपर ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है और ऊपर महादेव जी का मंदिर है। और रास्ता इसका 300 फीट ऊपर है और ऊपर से चेने पकड़ के हमको नीचे आना। आप पीछे देख रहे हैं, वो अंकल बैठे हैं, उस तरफ से आपको आना पड़ेगा, वहाँ से रास्ता है चेनों के सारे, आपको नीचे आना पड़ेगा। और ये पीछे मंदिर है, आपको ऊपर ले जाऊँ, मैं ऊपर ले जाकर बता रहा हूँ कि मंदिर कैसा है क्या है। ऊपर चलते हैं दोस्तों, ऊपर बता रहा हूँ आपको मंदिर कैसा है। ये देखो दोस्तों, ये रहा महादेव जी का मंदिर, ये तिलकेश्वर जी महादेव जी का मंदिर है दोस्तों। ये मेन मंदिर है, यहाँ पर महादेव जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये सीढ़ी आ रही है, ये नीचे सीढ़ी आ रही है, और वो देखो पूरा झरना गिर रहा है पानी का, काफ़ी 300 फीट ऊपर से ये पानी का झरना गिर रहा है। और ये बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। जो अंकल बैठे हैं उधर से रास्ता आ रहा है, वहाँ से हमको आना पड़ेगा। ये जो गुफा रही है, ये जो केव आ रही है, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके सर पे लग सकती है, ऊपर चट्टान है उसकी सर में आपके न लगे, उसका ध्यान रखे जाए। दोस्तों इसी तरह के ट्रैवल वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले बंकू भैया योर ट्रैवल बडी को। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।